हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूरज स्कूल भिवाड़ी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड वी आर ऑन वीडियो नंबर 6 ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट अस बिगिन। सो फर्स्टली हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। सो हमें पूरा क्वेश्चन इसी रेशो से करना है। एंड देयर असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर गिवन, कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट गिवन है और आपको इनकी रीवैल्यूड वैल्यू गिवन है। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है और नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। यस, न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने के लिए जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट सीक्वेंस होगा ट्रांसफ़र ऑल असेट्स। अपनी रफ नोटबुक में इसको नोट कर लेना, ट्रांसफ़र ऑल असेट्स। देन आपको करना है ट्रांसफ़र ऑल लाइबिलिटी, सारी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अब ये सारी में अपनी बुक में नोटिस करना कि कुछ एक्सेप्शंस हैं। हम केवल उन्हीं असेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे जिसे हम कैश में चेंज कर सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, हम सेल करेंगे असेट्स की। नंबर 3 स्टेप होगा, असेट की सेल करेंगे, मनी मिलेगा। अब जब असेट की सेल करने पर मनी मिलेगा तो हम अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे, ये स्टेप नंबर 4 होगा। नंबर 5 स्टेप हमारा होगा, जो हमने असेट को सेल किया है और लाइबिलिटीज़ को पे किया है तो इस काम के करने के लिए हमें कुछ एक्सपेंस करने पड़ेंगे, उसे बोलेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने की एंट्री होगी। फिर रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, और लास्ट में पार्टनर के लोन को पे करने की एंट्री, और फिर एट लास्ट हम पार्टनर को पे करेंगे। तो ये सीक्वेंस आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना। सबसे पहले हम असेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हम लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हम असेट को सेल करेंगे, फिर हम जो सेल करने से जो मनी आएगा उससे हम लाइबिलिटीज़ पे करेंगे, रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे करेंगे, रियलाइजेशन मतलब जो असेट्स को सेल करने में जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ है, फिर हम रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेंगे और पार्टनर के लोन को पे करेंगे अगर कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है, और फिर हम पार्टनर को लास्ट में पे करेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नाउ लेट अस बिगिन द क्वेश्चन। अब सबसे फर्स्ट स्टेप को ध्यान में रखना है कि हमें सारी असेट्स को ट्रांसफ़र करना है। तो फर्स्ट एंट्री असेट को ट्रांसफ़र करेंगे तो कैश नहीं करेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अभी नहीं करेंगे, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, तो हम इन सबको क्लोज करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में भेजेंगे। तो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू स्टॉक टू मशीनरी टू लैंड एंड बिल्डिंग। ये हमने सारी असेट्स ट्रांसफ़र कर दी। अमाउंट कितनी आएगी इनकी, डेटर्स में 40,000, स्टॉक में 54,800, मशीनरी में 40,000 एंड लैंड बिल्डिंग में 1,20,000, और इन सब का टोटल करके यहाँ पर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमने सारी असेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया। असेट्स को ट्रांसफ़र करने का मतलब है असेट्स को क्लोज करेंगे। डेबिट होता है असेट्स तो हम इसे क्लोज करके क्रेडिट कर देंगे और न्यू अकाउंट ओपन कर देंगे। नाउ स्टेप नंबर 2, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ आपको एक ही लाइबिलिटी दिख रही है, तो क्रेडिटर का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको डेबिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट 20,000। साथ में प्रोविज़न और आएगा, इसको भी क्लोज करेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये आपके सेकेंड एंट्री हो गई। अमाउंट यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 1,800, दोनों का टोटल करके 21,800 यहाँ पर। थर्ड एंट्री में आप क्या करेंगे, आप असेट को सेल करेंगे। तो सेल करने की एंट्री होगी, तो आपके पास मनी आएगा और असेट जाएंगी बैंक टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री बनेगी, बैंक टू रियलाइजेशन, नंबर 3 एंट्री। अब आपके पास 4 असेट्स थी, तो इनकी वैल्यूज़ आप यहाँ से देखेंगे अमाउंट कितना आएगा। तो देखो, डेटर्स स्टॉक आपका जा रहा है 45 में, स्टॉक की वैल्यू है 45, मशीनरी 20% लेस, तो मशीनरी 20% लेस 40 का 20% हो गया 8,000, तो मशीनरी आपकी जा रही है 32,000 में।
डेटर 35 और लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर, तो 1,50,000 चारों को प्लस कर देंगे और बैंक टू रियलाइजेशन में लिख देंगे। फिर फोर्थ स्टेप आता है, लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे। तो लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे तो अमाउंट आपके पास से जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्होंने बोला है 5% लेस, तो आप इसका अमाउंट निकाल के 5% माइनस करके यहाँ लिख देंगे। फिर फिफ्थ एंट्री होती है रियलाइजेशन एक्सपेंस की, जो कि 1200 है। इसकी भी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक 1200। फाइव एंट्रीज हो चुकी हैं। सिक्स्थ एंट्री में हम प्रॉफिट लॉस कंपेयर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट जिन जिन से डेबिट हुआ है थर्ड और फोर्थ एंट्री में, और फिर रियलाइजेशन किन किन अकाउंट से क्रेडिट हुआ है, फिर उनको कंपेयर करेंगे। तो प्रॉफिट अगर होता है तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू ए टू बी, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो ए बी टू रियलाइजेशन। ये आपकी सिक्स्थ एंट्री बनेगी। फर्स्ट में असेट को भेजा, सेकंड में लाइबिलिटीज़ को भेजा, फिर असेट को सेल किया, फिर लाइबिलिटी को पे किया, फिर एक्सपेंस को पे किया, और फिर अभी प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया। कोई पार्टनर का लोन क्वेश्चन में है नहीं तो वो होगा नहीं। और लास्ट में पार्टनर को जो अमाउंट देना है उसमें प्लस करके उसे हम पे कर देंगे। जैसे कि 150 तो उसे देना ही है ए को, प्लस में अगर रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट हुआ तो वो प्लस करके हम पे कर देंगे। तो पार्टनर को पे करने की एंट्री बनेगी ए बी टू बैंक। तो यहाँ पे आप जर्नल एंट्रीज देखो, फर्स्ट एंट्री आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, डेटर स्टॉक मशीनरी लैंड बिल्डिंग को टोटल करके यहाँ, फिर क्रेडिटर प्रोविजन को ट्रांसफ़र किया, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गए, फिर आपकी असेट सेल हुई, बैंक टू रियलाइजेशन मनी आया और सारे असेट्स को टोटल करके लिख दिया, फिर रियलाइजेशन टू बैंक क्रेडिटर को पे किया, फिर आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया, फिर अगर रियलाइजेशन का लॉस आ रहा है तो ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा। ये वाली एंट्री का अमाउंट कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से। तो रियलाइजेशन जहाँ जहाँ डेबिट हो रहा है, जैसे यहाँ पे डेबिट हुआ और यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है 2,62,000 से, डेबिट क्रेडिट को कंपेयर करके अगर डेबिट का ज़्यादा है क्रेडिट का कम है तो लॉस हो रहा है, और अगर रियलाइजेशन का अमाउंट क्रेडिट का ज़्यादा है डेबिट का कम है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो आप पार्टनर में बांट देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लास्ट में पार्टनर को पे कर दिया। इस तरीके से आपको ये जर्नल एंट्रीज करनी है। अब उसके बाद आता है आपका अकाउंट्स, आपको चार तरह के अकाउंट यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। एक अकाउंट बनाना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट, एक अकाउंट बनाना पड़ता है पार्टनर का लोन अकाउंट, एक आपको बनाना पड़ता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और एक लास्ट में बनाना पड़ता है कैश अकाउंट। जब लास्ट में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाते हैं तो टैली हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर सही है। तो सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैसे बनाएंगे, सारे डेटर्स स्टॉक मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कैसे करेंगे, ऐसे अकाउंट बना लोगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट, तो टू डेटर्स टू स्टॉक टू मशीनरी टू लैंड एंड बिल्डिंग, सारा बुक वैल्यूज़ पर लिखेंगे। ये जो वैल्यूज़ हैं 40,000 54,800 40,000 1,20,000, फिर लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। स्टेप नंबर टू, जो एंट्रीज़ का स्टेप था सेम स्टेप यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम सेल करेंगे, सेल करेंगे तो हमने एंट्री बनाई थी बैंक टू रियलाइजेशन कि रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो जितनी भी अमाउंट सेल कर रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे कितने कितने में सेल हो रहा है टोटल करके, यहाँ टोटल करने के बाद लिख देंगे। फिर लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे, यहाँ देखो हमने पहले सारी एसेट्स को क्या किया, ट्रांसफ़र किया, डेटर स्टॉक मशीनरी लैंड बिल्डिंग, स्टेप नंबर वन। 6 मार्क्स का अकाउंट आता है पेपर में बनाने के लिए। सेकंड, क्रेडिटर और प्रोविजन को ट्रांसफ़र किया, स्टेप नंबर टू। फिर आपने एसेट को सेल किया, स्टेप नंबर थ्री। फिर लाइबिलिटी को पे किया, स्टेप नंबर फोर। फिर एक्सपेंस को पे किया, स्टेप नंबर फाइव। फिर क्रेडिट और डेबिट का टोटल को कंपेयर किया, प्रॉफिट आया, स्टेप नंबर सिक्स।
और ये 6 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन बनता है 6 स्टेप में। सबसे पहले सारे असेट्स को ट्रांसफ़र किया, फिर लाइबिलिटीज़ को, फिर असेट को सेल किया स्टेप नंबर 3 में, फिर लाइबिलिटीज़ को पे किया, फिर जो प्रॉफिट लॉस आया वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अकाउंट जो पार्टनर के बनाएंगे तो बैलेंस उतारेंगे, फिर जो प्रॉफिट है यहाँ पर, और फिर उनको पे कर देंगे। यहाँ पे टू बैंक आएगा, बैलेंस सीडी नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो बिल्कुल 11th क्लास की तरह बनाएंगे। मनी आ रहा है तो डेबिट में, और अगर जा रहा है तो क्रेडिट में। तो मनी ऑलरेडी आपके पास में था, बैलेंस शीट में देखो आपके पास ऑलरेडी कैश का बैलेंस था कितना, 7000। तो 7000 से आपका शुरू हो जाएगा आपकी बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे 7000। अब असेट को सेल करने पर जो मनी आया वो यहाँ पे टोटल कर दो, फिर जो क्रेडिटर को पे किया, जो एक्सपेंस पे किया, जो पार्टनर को पे किया, दोनों साइड का टोटल बिल्कुल सेम आ जाएगा। आप एक बार इस सम को करके देखेंगे अपने आप से। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट विद मी। थैंक यू सो मच।